ध्यान से सुनो मिस्टर अखरू, बच्चों के क्लासेस के बाद तुम सीधा घर जाओ और घर में सबसे पहले बोलो यहीं से कि आज अपनी उस गलती को सुधार लें। हम सेल्फिश हो रहे हैं निर्मला। अगर हम सिर्फ करण के बारे में सोच रहे तो फिर हमें नैना के बारे में भी सोचना चाहिए। पता नहीं कितनी तकलीफ में रही होगी और यहाँ जयपुर में तुम खुद रुकी है यहाँ पे जयपुर में। तुम समझ क्यों नहीं रही हो निर्मला? यहाँ इस तरह जयपुर में रहकर वो लड़की सिर्फ अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है, यही चाहती हो तुम? की भलाई इसी में है कि तुम कुछ भी करके नैना को बूंदी वापस भेज दो। मैं जानती हूं कि सिर्फ तुम्हारे कह देने से वो नहीं जाएगी, लेकिन ये हमें करना होगा निर्मला। चाहे प्यार से समझाकर, कसम देकर या फिर डांट कर, चिल्ला कर, लेकिन नैना को बूंदी वापस जाना ही होगा। एक बार फिर अपनी खुशी के लिए हम उस लड़की की लाइफ दांव पर नहीं लगा सकते निर्मला। जाने के लिए कह दो उसे, क्योंकि अब जहां जयपुर में रुकने के लिए नैना के पास कोई वजह नहीं। काट दिया आपने फोन? सुंदर बुलाया? हाँ।